हमारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रांतीय आवाहन पर हमारी 3 सूत्रीय मांगों के उसमें हम लोग 12 अप्रैल से जिले में हम लोगों ने क्या जिले में हमने धरना दिया। 23 अप्रैल को राज्य स्तरीय धरना दिया गया। फिर 26 मई से 15 मई तक हम लोग जनप्रतिनिधियों से मिलकर हमने समर्थन मांगा आपकी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें हमारी पहली मांग कि हमारी योग्यता इंटर से स्नातक की जाए और कंप्यूटर जो डिफेंसी लेवल है उसको ओ लेवल किया जाए। गेट पे 2000 की जगह 2800 करने की मांग थी। तीसरी मांग हमारी ACP के अनुमंडल तहत 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पे पदोन्नत पद की वेतन मांग दिया जाए। इसके बाद हम लोग 3 दिन के लिए छुट्टी लेकर हम लोगों ने इसका कार्य बहिष्कार किया। 30 तारीख को विकास भवन में बैठे और फिर 2 जून को फिर हम लोगों ने सामूहिक अवकाश लेकर उपवास किया। इसके बाद भी हमारा प्रदेश सरकार के ने कोई ध्यान नहीं दिया। 5 मई को हमारा प्रांतीय नेतृत्व दोनों प्रदेश अध्यक्ष ग्राम पंचायत कार्य एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रजनीकांत त्रिवेदी जी एवं श्री गंगेश शुक्ला जी ने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जिसके समर्थन में संपूर्ण प्रदेश में 6 जून से हम लोग कार्य बहिष्कार पर, कलमबंद कार्य बहिष्कार पर हैं। आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार हमारी मांगों पे कोई विचार नहीं कर रही है। जब तक सरकार से कोई शासनादेश नहीं हो जाता संपूर्ण प्रदेश में हम लोग कलमबंद कार्य बहिष्कार करते रहेंगे जब तक कोई शासनादेश जारी नहीं हो जाता। आपका नाम? शशांक सक्सेना, जिला संयोजक समन्वय समिति। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या? अगर अनिश्चितकालीन सर क्या कहते हैं पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार चलता रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती हमारा और शासनादेश नहीं हो जाता। हम किसी